हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लेके आज के सेशन में आई हूँ। शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़िएगा और लास्ट तक 50 तक पूरा कीजिएगा। यही आपके धैर्य की जो परीक्षा है। जितना धैर्य रखेंगे, जितना कॉन्सिस्टेंसी अपने अंदर बनाए रखेंगे, उतना ही क्लियर सभी टॉपिक आपका होता जाएगा। तो दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे चैनल पे सभी प्रकार के थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया गया है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल कराए गए हैं एंड 80 वीडियोज मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है बीपीएससी TRE 2 के अंतर्गत। एंड डेली बेसिस में 2024 में सेशन चालू की हूँ, उसमें से 50वां प्रैक्टिस सीरीज ये आपका है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, थॉमस बॉक का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, थॉमस बॉक जो है IOC के अध्यक्ष हैं और ये तलवारबाजी से रिलेटेड है, यानी फेंसिंग से। नेक्स्ट है, नाडा के डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है? नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका स्थापना 24 नवंबर 2005 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ, जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसका मोटो है प्ले फेयर और इसका चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंडिया। एंड दोस्तों, डायरेक्टर जनरल एंड CEO जो है वर्तमान में, इसके पहले नवीन अग्रवाल थे दोस्तों, और वर्तमान में कौन है इसको आपको देखना पड़ेगा। सिद्धार्थ सिंह लोकजाम थे नाडा के वर्तमान अध्यक्ष, शायद मैं राइट बोल रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं नाडा के वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान मतलब डायरेक्टर जनरल एंड CEO कौन है ये आप थोड़ा देखिएगा, सर्च कीजिएगा। मैंने बहुत गूगल पे भी सर्च किया बट मिला नहीं अच्छे से। सिद्धार्थ सिंह लेकजाम वहाँ पे आपका राइट होगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा, ये आप पे छोड़ती हूँ। एंड दोस्तों, वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड के लुसान शहर में हुआ था। वाडा का मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में है। वाडा के वर्तमान अध्यक्ष जॉन फाहे हैं। याद रखिएगा, वाडा नाडा दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाता है, दोनों को क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का नाम बताओ। तो दोस्तों, टेनिस के एक साल में 4 बड़े टूर्नामेंट आयोजित होते हैं और एक वर्ष में 4 टूर्नामेंट में जीतने वाले को ग्रैंड स्लैम उपाधि दिया जाता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हर एक वर्ष कराया जाता है, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रत्येक साल जनवरी के मध्य में हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन मई जून में क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन जून जुलाई में ग्रास कोर्ट पर, यूएस ओपन अगस्त सितंबर में हार्ड कोर्ट पर। याद रखिएगा, सीक्वेंस पे याद करिएगा। ये भी पूछा जाता है कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पहले कौन आयोजित किया जाता है साल में, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन, उसके बाद यूएस ओपन। लेकिन शुरुआत कैसे हुआ था, सबसे पहले शुरुआत हुआ था 1877 में विंबलडन ओपन का, जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और जो टेनिस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, तो वो है आपका विंबलडन ओपन। ठीक है, विंबलडन ओपन जो है टेनिस की सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, 1877 में शुरुआत हुआ। उसके बाद शुरुआत हुआ यूएस ओपन 1881, जो सबसे लास्ट में आयोजित किया जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद दूसरे स्थान पर आयोजित किया जाता है। सबसे लास्ट में शुरुआत हुआ 1905 ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो प्रत्येक साल कि सबसे पहले शुरुआत किया जाता है जनवरी के मध्य माह में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी का पितामह, फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों आप सबको पता है ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिन्होंने सबसे पहले मटर पर प्रयोग किया था, मटर के पौधों पर। नेक्स्ट है कर्व स्टार्ट की मार्किंग देने के लिए अर्धव्यास यानी रेडियस कितना रखा जाता है, तो उसके लिए रेडियस 30 मीटर रखा जाता है। नेक्स्ट है 37 टीम है तो चौथे क्वार्टर में कितनी टीम रखी जाएगी, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में जब टीमों की संख्या 16 या 16 से ज्यादा हो तो उसको क्वार्टर में बांटा जाता है। क्वार्टर में बांटने के लिए 37 टीमें हैं तो आप 37 में 4 का भाग देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 37 में आपका 4 का भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा कटने के बाद, 4 9 36, ठीक है, 9 9 टीम होंगे और एक शेष बचेगा, एक शेष, ठीक है, एक शेष बचेगा। तो यहाँ पे हम बांटते हैं प्रत्येक क्वार्टर में 9 9, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, तो 9 9 यहाँ पे टीम हो जाएंगी, कितना 9 9, सभी में 9 9 हो गए, एक शेष बचा। जो शेष बचता है उसको बांटने का तरीका होता है कि फर्स्ट टीम को पहले क्वार्टर में, दूसरे टीम को तीसरे क्वार्टर में और तीसरे टीम को दूसरे क्वार्टर में एंड चौथे टीम को चौथे क्वार्टर में, तो यहाँ पे एक ही शेष बचा हुआ है तो उसको हम पहले क्वार्टर में रख देंगे, ठीक है, प्लस 1 यानी पहले क्वार्टर में 10 टीमें लेंगे और उसके अलावा सेकेंड थर्ड फोर्थ में 9 9 टीमें भाग लेंगी। यहाँ पर क्या पूछा है, चौथे क्वार्टर में कितने टीमें रखी जाएंगी, तो कितनी टीमें रखी जाएंगी, 9 टीमें ही रखी जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख, 9 टीमें आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एली का संबंध किस खेलों से है, तो किन किन खेलों से है एली का संबंध, तो यह बॉलिंग एंड टेनिस से है, ठीक है, बॉलिंग एंड टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्टक लैंडिंग का संबंध किस खेल से है, तो स्टक लैंडिंग का संबंध लैंड किसमें किया जाता है, जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट है एक्सपीडोइड सिस्टम का संबंध किस खेल से है, तो एक्सपीडोइड सिस्टम का संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट है बैडमिंटन के खेल अधिकतम कितने अंकों का खेला जा सकता है, तो अधिकतम यह 30 पॉइंट्स का खेला जा सकता है। नेक्स्ट है सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों हमारे शरीर में, हमारे मुख में सलेवरी ग्लैंड, ये लार ग्रंथि होती है जिसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, दाएं कान के तरफ 3 और बाएं कान के तरफ 3, यानी कुल 6 होती हैं, जोड़ों में कहेंगे तो 3, तो जिसमें से पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, जो सबसे बड़ा होता है पैरोटिड ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, और सबसे मीडियम में होता है सब मैंडिबुलर एंड सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है सब लिंगुअल, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सब लिंगुअल, यानी कि ऑप्शन नंबर क। तो दोस्तों लार से कौन सा एंजाइम स्थापित होता है, टाइलिन। टाइलिन क्या होता है, टाइलिन जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, इसीलिए सेलेवरी लाइक एमाइलेज भी बोला जाता है टाइलिन एंजाइम को, इसी कारण कहा जाता है कि जो भोजन का पाचन होता है मुख से ही आरंभ हो जाता है और भोजन का पूर्ण पाचन अपूर्ण अवशोषण होता है आपका छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है भारत के किस स्टेडियम को, भारत के किस स्टेडियम को इरविन एम्फी थिएटर कहा जाता है, तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद स्टेडियम को इरविन एम्फी थिएटर कहा जाता है, यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है किस ओलंपिक में पदक नहीं दिए गए थे, तो दोस्तों
1900 ओलंपिक पेरिस में पदक नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट है, रक्तदान करते समय रक्त कहाँ से लिया जाता है? धमनियों से कि नसों से कि फेफड़ों से कि हृदय से? आप समझ सकते हैं दोस्तों, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो आप समझ सकते हैं जिसमें शुद्ध रक्त बढ़ेगा, शुद्ध रक्त को ही निकाल के दिया जाएगा, तो धमनियों से लिया जाता है, आर्टरीज से। नेक्स्ट है, किस देश में शारीरिक शिक्षा को स्पोर्ट्स कल्चर कहा जाता है, यानी शारीरिक संस्कृति कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है। तो रूस में शारीरिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स कल्चर, यानी कि शारीरिक संस्कृति। नेक्स्ट है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका भी दोस्तों गठन 1954 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में, जिसमें अच्छे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। और राजकुमारी अमृत कौर जो है भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, और ये टेनिस प्लेयर थी, टेनिस की शौकीन थी, और ये पटियाला में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम चालू किया गया था। नेक्स्ट है, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, SC बक आप मत लगा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पे ध्यान दीजिएगा। ये यह नहीं पूछ रहा है कि भारत में स्थापना किसने की, डायरेक्ट पूछा है कि YMCA की स्थापना किसने की। तो आप सबको पता होगा कि सबसे पहले YMCA की स्थापना विश्व स्तर पर 6 जून 1844 ईस्वी को जॉर्ज विलियम ने लंदन में किया था। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा जॉर्ज विलियम। उसके बाद अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड में YMCA प्रशिक्षण स्कूल की शुरुआत हुआ। उसके बाद YMCA की स्थापना अमेरिका से आए हुए विशेषज्ञ HC बक यानी हैरी क्रो बक के द्वारा 1920 में चेन्नई मद्रास में किया गया। इसलिए हैरी क्रो बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो आप सबको पता है विटामिन डी मिलता है, तो यहाँ D3 लिखा है, तो D3 आपका राइट होगा। जैसे कि विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन भी बोला जाता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेराल है। इसमें D2 और D3 मेन होता है। जो D2 होता है, D2 को अर्गो कैल्सिफेराल एंड D3 को कोले कैल्सिफेराल बोला जाता है। D2 जो अर्गो कैल्सिफेराल होता है, इसकी कमी से टिटेनी यानी अस्थियों में ऐठन हो जाता है, और D3 जो होता है कोले कैल्सिफेराल, ये सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है D3 कोले कैल्सिफेराल। और D3 की कमी से बच्चों में रिकेट्स, सूखा रोग यानी अस्थियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, एंड वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज आदि हो जाते हैं। नेक्स्ट, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत को कौन सा कोड दिया? तो दोस्तों कौन सा कोड से नवाजा जाता है? IND इंडिया। नेक्स्ट है, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग नामक खेल किस संघ के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों सिंक्रोनाइज जो है यह स्विमिंग फीना के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? फीना, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन, जिसकी स्थापना 19 जुलाई 1908 में हुआ था। फिना के अंतर्गत स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, सिंक्रोनाइज स्विमिंग एंड ओपन वाटर स्विमिंग आदि आता है, तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पेनाल्टी क्षेत्र का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो ऑप्शन दिया हुआ है फुटबॉल से है। नेक्स्ट है, 800 मीटर दौड़ का स्ट्रेगर का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट होगा, WN-1 -0.10
पाई प्लस डी ई डी। जबकि दोस्तों आपको पता होगा कि 400 मीटर स्ट्रगल को फुल स्ट्रगल और 200 मीटर को हाफ स्ट्रगल कहा जाता है। 400 मीटर स्ट्रगल का निकालने का सूत्र है डब्ल्यू एन माइनस वन माइनस टेन टू पाई, जबकि हाफ स्ट्रगल का भी सेम है, बस टू पाई नहीं रहेगा ओनली पाई रहेगा, ठीक है। और 800 मीटर का यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट में हृदय जितना रक्त पंप करता है उसकी मात्रा को कार्डियक आउटपुट करते हैं। तो इसको निकालने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हृदय एक धड़कन में जितना रक्त शरीर की तरफ पंप करता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी मात्रा 70 ml होता है। और हार्ट रेट 72 होता है, 70 और 72 का आप गुणा करेंगे 5040 ml आएगा, यानी कि 5.04 liter कार्डियक आउटपुट होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम हार्ट रेट का निकालने का सूत्र क्या होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का सूत्र होता है 220 माइनस एज। 220 में आपका जितना एज होगा उतना घटाएंगे तो उतना आपका हार्ट रेट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो आपको अच्छी तरह से पता है जो कोरोनरी आर्टरी होता है वह हमारे हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय। किस अंग से संबंध है, हृदय। नेक्स्ट है रोइंग मसल्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों रोइंग मसल्स जो है, रोइंग मसल्स एंड स्विमर मसल्स दोनों कहते हैं लैटिमस डोर्सी मसल्स को। किसको कहते हैं, लैटिमस डोर्सी, जो कमर के पास से ऊपर पीठ पर होती है ट्रेपेजियस के नीचे। तो मसल्स वाले पार्ट में जिसमें विशेष स्किल से जुड़े मांसपेशियों वाले वीडियो आप देखेंगे तो एक एक करके समझ जाएंगे। जैसे बॉक्सर मसल्स सेरेटस एंटीरियर को बोला जाता है, रोइंग मसल्स लैटिमस डोर्सी को, एंड स्विमर मसल्स डेल्टाइड एंड लैटिमस डोर्सी दोनों को बोला जाता है। थ्रोइंग मसल्स यानी फेंकने वाला मसल्स पेक्टोरलिस मेजर जो हमारे वक्ष पर होता है। टेलर मसल्स सार्टोरियस को बोला जाता है। मलखम में राइडर मसल्स एडेप्टर मंगस को बोला जाता है। लिफ्टर मसल्स डेल्टाइड मसल्स को बोला जाता है। एंड कॉफ मसल्स गैस्ट्रोनिमियस को, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता यानी एक्शन पोटेंशियल को किस उपकरण से मापा जाता है। तो मांसपेशियों की क्रियात्मक क्षमता को इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापा जाता है। तो शॉर्ट में हम इसको EMG कहेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सिकरे के सिद्धांत को किसने दिया था। दोस्तों तो आप सबको पता है थार्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है। दोस्तों तो आप सबको पता है निचले जबड़े की मैंडिबल हड्डी जो है वो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, बट इसमें मैंडिबल दिया ही नहीं है, तब क्या करेंगे दोस्तों। तो इसमें से सबसे लंबी और भारी और मजबूत अस्थि आपका हो जाएगा फीमर, इसी को आप राइट मारेंगे जब नहीं देगा मैंडिबल तो। नेक्स्ट है ऑसिपिटल बोन की संख्या कितनी होती है। दोस्तों हमारे खोपड़ी में क्रेनियल में 8 बोन होती है, जिसमें फ्रंटल पेरिटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल स्पिनॉइड इथेनॉइड होता है, जिसमें से फ्रंटल बोन से जो माथा फोर हेयर बनाती है वो एक होता है फ्रंटल, पेरिटल दोनों पार्श्व भाग में होता है दो होता है, टेम्पोरल कान संखास्थी होती है कान के पास तो दो होता है, ऑक्सीपिटल पीछे की अस्थि होती है जो एक होता है, स्पिनॉइड एक होता है, इथोमॉइड एक होता है, यानी जो 8 हड्डियां हैं उसमें से 1, 2, 3, 4 हड्डियां जो है फ्रंटल यानी पेरिटल और टेम्पोरल, आप जान लीजिए पेरिटल और टेम्पोरल दोनों हड्डियां दो दो पाई जाती हैं और सब एक एक पाई जाती हैं, ठीक है। 8 हड्डियां हमारे क्रेनियम में पाई जाती हैं। तो ऑसिपिटल बोन की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है, कितनी होती है, एक होती है। नेक्स्ट है पाइक पोजिशन का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों पाइक पोजीशन का संबंध डाइविंग से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट दोस्तों हील बोन यानी एड़ी की अस्थि को हम क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एड़ी की हड्डी को हम क्या कहेंगे, तो एड़ी की हड्डी को हम कैल्केनम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्केनस। ठीक है, कैल्केनस। नेक्स्ट है फाइबर्स ज्वाइंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारी जो ज्वाइंट होती है तीन प्रकार की होती है, चल अचल अर्धचल। तो अचल संधि को हम फिक्स ज्वाइंट, फाइबर्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। एंड अर्धचल संधि को सिंपली मूवेबल ज्वाइंट, कॉर्टिलेजियस ज्वाइंट एंड एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं। एंड चल संधि को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं। तो यहाँ पे फाइबर्स ज्वाइंट है, इसका मतलब अचल संधि की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अचल संधि को और क्या क्या कहते हैं? फिक्स ज्वाइंट, फाइबर्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस एंड इमूवेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिक्स ज्वाइंट आपका राइट होगा। क्या होगा? फिक्स ज्वाइंट आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आगा खा कप का संबंध किस देश से व किस खेल से है। तो दोस्तों आगा खा कप का संबंध हॉकी से है, आप सब लोग जानते हैं, और मलेशिया देश से है इसका संबंध। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिएगा, आगा खा कप हॉकी से तो है बट मलेशिया से संबंध है कि नहीं है, लेकिन ऑप्शन में यही राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों पेरिटोनियम किसे कहते हैं। तो दोस्तों पेट जो होता है, आमाशय स्टोमक जो होता है, उसकी परत को पेरिटोनियम कहते हैं, जिससे ढका रहता है। नेक्स्ट है माका ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई। तो माका ट्रॉफी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत 1956-57 में किया गया था, और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। और यह किसको दिया जाता है? पिछले एक साल में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है विश्वविद्यालय को। इसमें धनराशि 15 लाख दिया जाता है, और प्रथम माका ट्रॉफी विजेता बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है अभी तक में? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जीता है अमृतसर पंजाब, जो अभी तक में 24 बार जीत चुका है। 2022 में भी यही जीता था, और 2023 में भी यही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जीता है। नेक्स्ट है एमसी मेरी कॉम किस राज्य में रहने वाली है। तो किस राज्य की रहने वाली है एमसी मेरी कॉम? आप सबको पता है मेरी कॉम का नाम, यह मणिपुर की रहने वाली है दोस्तों, और बॉक्सर हैं जो ओलंपिक में, एशियन में, सभी में अपना वर्चस्व दिखाई है। नेक्स्ट है पीवी सिंधु किस राज्य की रहने वाली हैं। तो इनके बारे में भी आप सब लोग जानते हैं, ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक किसे कहा जाता था। तो दोस्तों जो उद्घोषक होता था प्राचीन ओलंपिक में, उसको स्पोंडोफोरी बोला जाता था। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, जो प्रमस्तिष्क सामने वाला भाग होता है। कौन होता है? जो बुद्धि, सोचने समझने, तर्क करने का काम करता है। उसके बाद सेरिबेलम को दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट है 4x400 मीटर रिले के स्ट्रेगर का सूत्र क्या होगा। इसका सूत्र होगा आपका 1 यानी कि आपका हाफ स्ट्रेगर प्लस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है।
दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व? ऑक्सीजन, जो 65% पाया जाता है। जैसे कि हमारे जो रासायनिक केमिकल्स होते हैं, रासायनिक अणु होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, यानी कि जो तत्व होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक दो भागों में बांटा गया है। कार्बनिक तत्वों में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एनाभिकीय अम्ल आते हैं, जिसमें जो हमारे 96.2% भाग मानव शरीर का बनाता है। और अकार्बनिक पदार्थ में आपका 3.8% भाग आता है, जिसमें खनिज लवण आते हैं, जो शरीर को उपस्थित मात्रा के आधार पर होता है। तो कार्बनिक जो अणु हैं वो 96.2% होते हैं, जिसमें से आपका ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कुल मिलाकर के 96.2% पाया जाता है। जो इनऑर्गेनिक होता है, अजैविक घटक अणु, वो 3.8% पाया जाता है मानव शरीर में, जिसमें मुख्य खनिज लवण आपका कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आ जाएगा। और लघु खनिज लवण में, माइनर मिनरल्स में, आपका आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मैग्नीज, फ्लोरीन आदि आता है। नेक्स्ट है, यानी कुल 21 तत्व यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, वह कौन सा खेल है जिसमें महिला व पुरुष दोनों ही एक टीम के सदस्य होते हैं? तो वह खेल है, आप सबको पता है, राइट आंसर आप दे दिए होंगे, वह है कॉर्फ बॉल, जिसमें महिला पुरुष दोनों एक टीम में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक किस महीने में आयोजित किए जाते थे? तो अगस्त के महीने में आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों उबेर कप का संबंध जो है महिला बैडमिंटन से है, जबकि थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, सिलेंडर स्थिति का संबंध किस खेल से है? तो सिलेंडर स्थिति का संबंध जो है वो बास्केटबॉल खेल से है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ा तंत्रिका होती है साइटिका नर्वस। नेक्स्ट है, थ्रोवर मसल्स किसे कहते हैं? तो यहाँ पे डेल्टाइड को स्विमर या लिफ्टर मसल्स बोलते हैं, लैटिवस डोर्सी को स्विमर एंड रोइंग मसल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे थ्रोवर मसल्स जो फेंकने के काम आता है, यहाँ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होगा, जो हमारे वक्ष यानी छाती पर मसल्स पाया जाता है, उसे हम थ्रोवर मसल्स कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस, जो आपको अच्छे से समझ में आए होगी। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।